हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को, जिसकी ऑथर है एनीस जंग। तो ये जो चैप्टर है, ये एक एक्सर्प्ट है या एक छोटा सा पार्ट है एनीस जंग की बुक द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का। और जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका मतलब है लॉस्ट चाइल्डहुड, कि कैसे ये बच्चे पॉवर्टी के कारण अपनी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल टाइम, मतलब अपने चाइल्डहुड को खो देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से, जो कि है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो इस पार्ट में ऑथर साहिब के बारे में बात करती हैं। तो साहिब की जो फैमिली होती है वो पहले ढाका बांग्लादेश में रहती थी, और वहाँ पर ये लोग फार्मिंग करते थे। पर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आए जिसके कारण इनके सारे फार्म्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसके कारण ये लोग इंडिया आ गए और यहीं पर ही सेटल हो गए, और यहाँ पर ये लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं। और ऑथर साहिब से हर सुबह तब मिलती है जब साहिब उनके नेबरहुड के गार्बेज डंप्स में कुछ ढूंढ रहा होता है। और ऑथर उनसे एक बार पूछती भी है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो कहता है कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर उनसे कहती है कि अगर वो एक स्कूल स्टार्ट करेगी तो वो वहाँ पर आएंगे, तो वो हाँ कह देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो ऑथर के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। तब ऑथर को काफी बुरा लगता है। उस टाइम पर वो उससे तो कह देती है कि स्कूल को बनने में काफी टाइम लगता है, पर उन्हें काफी एम्बेरस्ड फील हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो फुलफिल नहीं कर पाएंगी कभी भी। साथ ही में एक बार वो साहिब से उनका नाम भी पूछती है, तो वो उन्हें बताता है कि उनका नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और तभी ऑथर सोचती है कि अगर इसे इसके नाम का मतलब पता चलेगा तो ये कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि जो साहिब है वो रोज सुबह अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही गार्बेज में कुछ ढूंढते रहते हैं, और उन सभी बच्चों ने कोई भी फुटवेयर्स नहीं पहन रखे होते हैं, वो सभी बेयरफुट ही रहते हैं। और एक बार ऑथर उनसे पूछती भी है कि तुम सब कोई भी फुटवेयर्स क्यों नहीं पहनते हो, तब वो बच्चे अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हैं। और इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि उन्होंने बहुत सारे शहरों में ऐसे ही काफी सारे बच्चों को बेयरफुट घूमते हुए देखा है, और वो कहते हैं कि ये उनका एक ट्रेडिशन है कि ये लोग बेयरफुट ही घूमते हैं। पर ऑथर को लगता है ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, ये एक सिर्फ बहाना है अपनी पॉवर्टी को छुपाने का जो ये लोग देते हैं। इसके बाद ऑथर हमें सीमापुरी के बारे में बताती है, जहाँ पर ये सारे रैग पिकर्स रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, यानी दिल्ली के बाहरी इलाकों पर है, और कुछ ही किलोमीटर्स दूर है दिल्ली से। पर अगर देखा जाए तो दिल्ली में जिस टाइप के लोग रहते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, उसके कंपैरिजन में तो ये लोग उनसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। और वो हमें ये भी बताती है कि सीमापुरी में रहने वाले सभी लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे, और यहाँ पर कुछ अराउंड 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। इनके घर मड के बने हुए हैं, और इनकी रूफ टिन की बनी हुई है और टारपोलिन की बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सीवेज अवेलेबल नहीं है, साथ ही में इनकी लिविंग कंडीशंस भी कुछ खास अच्छी नहीं है। और यहाँ पर ये लोग कुछ अराउंड 30 ईयर्स से रह रहे हैं, और इनके पास कोई भी आइडेंटिटीज नहीं है, सिर्फ इनके पास राशन कार्ड्स हैं, और इनके लिए फूड किसी भी आइडेंटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ऑथर वहाँ पर कुछ वुमेन से पूछती है कि उन्होंने अपने बांग्लादेश वाले फील्ड्स और वहाँ के फार्म्स को छोड़कर वो यहाँ पर क्यों आ गए। तो वो वुमेन रिप्लाई करती है कि यहाँ पर आकर कम से कम इन लोगों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है, और ये कहीं ज्यादा बेटर है वहाँ बांग्लादेश के अपने खेतों पर काम करने से, जहाँ पर वो कितनी भी मेहनत कर ले पर वहाँ पर कोई भी ग्रेन्स नहीं उगते थे। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये लोग जहाँ पर भी अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं, ये वहाँ पर अपने टेंट्स लगा देते हैं और वहीं पर ही रहने लग जाते हैं, और इनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी इनके साथ ही ऐसे ही रैग पिकिंग करते हुए बड़े होते हैं और इनके साथ ही ज्वाइन हो जाते हैं। और जो गार्बेज है इनके लिए गोल्ड की तरह है, मतलब ये जो गार्बेज है ये एक तरीके से इनके लिए एक लाइवलीहुड का मीन्स है। इस गार्बेज से ही, इसको कलेक्ट करने के बाद ही ये अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं, इसीलिए ये गार्बेज इनके लिए गोल्ड की तरह है, यानी इनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि साहिब उनसे एक बार कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में
एक 1 रुपी कॉइन मिल जाता है और कभी कभी तो एक 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। और ऑथर हमें बताती है कि जब इन बच्चों को ऐसे कॉइन गार्बेज में मिलता है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और ज्यादा ढूंढने से। और इसी तरह इनके पेरेंट्स के लिए तो ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, पर इन बच्चों के लिए तो ये गार्बेज रैप्ड इन वंडर्स है। मतलब इन्हें हर बार कुछ ना कुछ नई चीज मिल जाती है इस गार्बेज में से ही। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि एक सुबह वो साहेब को टेनिस का गेम देखते हुए देखती है और साहेब उनसे कहता है कि ये गेम उन्हें काफी पसंद है। और साहेब ने टेनिस शूज भी पहने हुए थे जिसमें एक होल था और शायद उन शूज को किसी और बच्चे ने फेंक दिया था उस होल के कारण, और वो अब साहेब ने पहन लिए थे। और ऑथर कहती है कि जो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में बेयरफुट ही घूमता रहा है उसके लिए तो ये होल वाले शूज भी एक सपने के सच होने जैसा ही है। पर ये जो गेम ये देख रहा है, जो टेनिस का गेम है, ये इसकी रीच से बिल्कुल बाहर है और ये सपना इसका कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि एक सुबह वो साहेब को एक मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए देखती है और उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर होता है। और साहेब बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है। और जब ऑथर उनसे पूछती है कि क्या उसे नई जॉब पसंद है, तब वो देख सकती है कि उसके फेस पर उसका जो केयर फ्री लुक था वो अब जा चुका है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके हाथ में जो उसका ये स्टील कंटेनर है ये कई ज्यादा हैवी है उस प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, जो कि उसके हाथ में तब होता था जब वो रैक पिकिंग करता था, क्योंकि उस टाइम पर साहिब अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता था, वो अपने हिसाब से काम कर सकता था। पर अब क्योंकि वो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है तो उसने अपना पूरा फ्रीडम खो दिया है, वो अब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को, जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी मुकेश की है जो कि ऑथर से कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना सीखना चाहता है। पर ऑथर को लगता है कि मुकेश का ये जो ड्रीम है ये सिर्फ एक मिराज जैसा है, एक इमेजिनेशन के जैसा है जो कि शायद कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद काफी ज्यादा फेमस है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के कारण, और यहाँ पर अधिकतर फैमिलीज बैंगल मेकिंग के बिजनेस में ही इन्वॉल्व होती है। कई सारी फैमिलीज ने यहाँ पर कई जनरेशन तक सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही किया है और मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक है। और इन फैमिलीज को शायद पता ही नहीं है कि बच्चों से इन ग्लास फर्नेसेस में काम करवाना इलीगल है, और अगर यहाँ पर लॉ इन्फोर्स हो सके तो यहाँ पर काम करने वाले 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है, जो बच्चे अपना पूरा दिन इन गरम गरम भट्टियों के सामने बैंगल्स बनाने में बिता देते हैं। और इन बैंगल्स को बनाने के कारण कई सारों की तो आईसाइट भी चली जाती है। इसके बाद ऑथर मुकेश के साथ उसके घर की तरफ जाती है। ऑथर बताती है कि वो एक स्लम एरिया था जहाँ पर अधिकतर घरों की दीवारें काफी कमजोर और टूटी हुई होती है, काफी कमजोर दरवाजे लगे हुए होते हैं उनमें, साथ ही में कोई भी विंडोज नहीं होती है उन दीवारों में। और इनमें से ही एक घर होता है मुकेश का। और जब वो उस घर में जाती है तो वो देखती है कि एक कॉर्नर में एक लड़की वहाँ पर खाना बना रही होती है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है। इसके बाद ऑथर हमें मुकेश के फादर के बारे में बताती है जो कि एक बैंगल मेकर है। उन्होंने कई साल तक बहुत ही हार्ड वर्क किया होता है। पहले तो उन्होंने टेलरिंग के काम से स्टार्ट किया होता है, पर क्योंकि वो उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर वो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में आ जाते हैं। और इतने सालों तक काम करने के बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए हैं, मतलब प्रॉपरली बिल्ड नहीं कर पाए हैं। साथ ही में वो अपने दोनों बेटों को भी स्कूल नहीं भेज पाए हैं आज तक, और वो अपने बेटों को सिर्फ ये बैंगल मेकिंग यानी इन बैंगल्स को बनाने की आर्ट ही सिखा पाए हैं। इसके बाद ऑथर मुकेश की ग्रैंड मदर से बात करती है जो कहती है कि ये हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है कि हम लोग बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, और ये बचपन से ही अपने घर में अपने बैकयार्ड्स में हर जगह सिर्फ बैंगल्स ही देखते हैं जो कि अलग अलग कलर्स की होती है। और ये बच्चे क्योंकि बचपन से ही आसपास अपनी सिर्फ इन बैंगल्स को ही देखते हैं और काफी यंग एज से ही ये इस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके कारण ये कोई और काम नहीं कर पाते हैं या किसी और को काम को करने की सोच भी नहीं पाते हैं। ये बचपन से ही अपने छोटे छोटे डार्क हट्स के अंदर
छोटे छोटे लैम्प्स की रोशनी में अपने मदर और अपने फादर के साथ इस काम को सीखते हैं और इसके कारण इन्हें यही काम करने की आदत हो जाती है। साथ ही में इनकी आंखें भी इतने डार्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए एडजस्ट हो जाती है, जिसके कारण कई बार तो ये एडल्ट होते होते ही अपनी आईसाइट भी खो देते हैं। इसके बाद ऑथर एक और यंग गर्ल के बारे में बताती है जिसका नाम होता है सविता, और वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही होती है कि ऐसा लग रहा होता है कि उसके हाथ किसी मशीन की तरह मूव कर रहे हैं। और ऑथर सोचती है कि शायद इस यंग गर्ल को ये पता भी नहीं होगा इन बैंगल्स की होलीनेस के बारे में, जो कि सिंबलाइज करती है एक इंडियन वुमेन्स के सुहाग को, जो कि सिंबलाइज करती है एक इंडियन वुमेन के सुहाग को। इसके बाद ऑथर में बताती है कि उस यंग गर्ल के पास में एक ओल्ड वुमेन भी बैठी हुई होती है, जो उनसे कहती है कि उन्होंने आज तक एक वक्त भी पेट भर कर खाना नहीं खाया है। और उस ओल्ड वुमेन के हस्बैंड कहते हैं कि उन्हें बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, और वो अपनी पूरी लाइफ काम करने के बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर बना पाए हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि यहाँ पर रहने वाली सभी फैमिलीज बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं, और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि ये कोई और बिजनेस स्टार्ट कर पाए या फिर ठीक से अपने लिए खाने का इंतजाम कर पाए। और जो इनके बच्चे होते हैं वो भी इसी प्रोफेशन में आ जाते हैं काफी यंग एज से ही। इसके कारण ये न ही किसी और काम को सीख पाते हैं, न ही किसी और काम को करने के बारे में सोच भी पाते हैं। एक बार ऑथर कुछ लोगों से पूछती है कि ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि बैंगल मेकिंग तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर क्योंकि ये अपनी बैंगल्स को पहले मिडलमैन को बेचते हैं और मिडलमैन इनसे काफी कम प्राइस पर खरीदते हैं और काफी प्रॉफिट के साथ बाहर मार्केट में बेचते हैं, जिसके कारण ये बैंगल मेकर्स काफी गरीब रह जाते हैं। तो वो रिप्लाई करते हैं कि अगर वो अपनी कॉर्पोरेटिव बना भी लें तो जो पुलिस है जो मिडलमैन के साथ मिली हुई होती है ये हमें मारेंगे और हमें जेल में डाल देंगे, जैसे कि हमने कुछ इलीगल कर लिया हो और हम इनके विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। इसके बाद ऑथर कहती है कि उन्हें लगता है कि इनके पास कोई भी एक्चुअल में लीडर नहीं है जो कि कुछ अलग तरीके से सोच सके और इनकी हेल्प कर सके, क्योंकि ये लोग बचपन से ही अपने पेरेंट्स से ये काम सीखते हैं और ये कुछ भी अलग तरीके से नहीं सोच पाते हैं। और इनसे बात करने के बाद ऑथर को लगता है कि यहाँ पर दो तरीके की वर्ल्ड्स एक्सिस्ट करती है, यानी दो तरीके के लोग एक्सिस्ट करते हैं, जिसमें एक टाइप के वर्ल्ड में तो उन फैमिलीज को लगता है कि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं तो वो सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम कर सकते हैं, साथ ही में इनकी पॉवर्टी के कारण ये कुछ और करने की सोच भी नहीं पाते हैं और ये अपनी कास्ट को ही फॉलो करते हैं। और जो दूसरा वर्ल्ड है वो विशेष साइकिल में फंसा हुआ है मिडलमैन पुलिसमैन और शाहूकार्स की, जो कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी इसी प्रेशर में बड़े होते हैं और अपने फादर के साथ क्योंकि बहुत यंग एज से ही यही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनकी पूरी डेयरिंग खत्म हो जाती है कुछ और काम करने की, कुछ नया सीखने की। पर ऑथर जब मुकेश को देखती है तो उन्हें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो एक अलग काम करना चाहता है। साथ ही में ऑथर ये कहती है कि मुकेश की ये जो इच्छा है ये अभी तक एक रिग्रेट में नहीं बदली है, वो अभी भी चाहे तो एक मैकेनिक बन सकता है। साथ ही में ऑथर ये भी सोचती है कि जरूर उसका कार्स में इंटरेस्ट इसी के कारण डेवलप हुआ होगा, क्योंकि फिरोजाबाद की सड़कों पर काफी ज्यादा कार घूमती रहती हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग।